आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में श्रोताओं आइए आज सुनते हैं तपन भट्ट की लिखी झलकी मेरी बेटी की शादी। हेलो हेलो, क्या ये घर है जी? क्या मतलब? मेरा मतलब है ये मालिक राम जी का घर है। हाँ क्यों? आप कौन बोल रही है? जी मैं उनकी लड़की बोल रही हूँ। उनकी लड़की? ये ऊन कौन है? ओहो, उनकी मतलब मालिक राम जी की लड़की। सुना है आपके पिताजी आपकी शादी को लेकर बहुत परेशान है। हाँ तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शट अप, कौन हो तुम? आप सोच ले, मैं बाद में फोन करता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? दहेज में तुम्हारी मम्मी चाहिए। शट अप, फोन रखो चुपचाप। ना लेडीज फर्स्ट। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। शर्मिले, ओ शर्मिले। जी मालकिन। मैं बहुत दुखी हूँ शर्मिले। मैं भी बहुत दुखी हूँ मालकिन। तू क्यों है? जगह जगह फुंसियाँ हो गई, बहुत दुखती है। मैं उस दुख की बात नहीं कर रही। तो मैं शादी करना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। शट अप, मैं तेरी बात नहीं कर रही। तो मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं क्या करूँ? मालिक से कहिए, वो खुद भी आपकी शादी करना चाहते हैं। पर उन्हें अमीर लड़का चाहिए, मैं गरीब लड़की से मोहब्बत करती हूँ। जरूरत क्या थी गरीब से मोहब्बत करने की? की थोड़ी मैंने, मोहब्बत अपने आप हो जाती है। तो फिर मुझसे क्यों नहीं हुई? शर्मिले मैं परेशान हूँ और तू मजाक कर रहा है। यही होता है क्या? गरीब की मोहब्बत को मजाक समझा जाता है। शर्मिले आपने बहुत देर कर दी मालिक। अब तो मालिक ने अखबार में विज्ञापन भी दे दिया होगा। कौन सा विज्ञापन? आपकी शादी का विज्ञापन। ये तू क्या कह रहा है शर्मिले? मैं ठीक कह रहा हूँ? नहीं, अगर मेरी शादी कहीं और हो गई तो वो मर जाएगा। कौन? मेरा आशिक। क्या कह रही हो? हाँ शर्मिले हाँ, तू कुछ कर, तू उसकी मदद कर। क्या करूँ, क्रियाक्रम का सामान लाओ। शर्मिले तो मरने वाले की और क्या मदद कर सकता हूँ मैं? अरे वो ना मरे ऐसी तरकीब बता। आ, उसे लेकर भाग जाओ। पिताजी जान से मार देंगे मुझे। लड़का तो बच जाएगा ना। लेकिन मैं तो मर जाऊंगी ना। मैं आपकी जुदाई सहलूंगा मालकिन। शर्मिले अगर तुझे कुछ बताना है तो बता, नहीं तो मैं भी अपने आशिक के साथ आत्महत्या कर लूंगी। माँ पिताजी मेरी शादी विज्ञापन से कर रहे हैं। विज्ञापन? अच्छा किसका लड़का है? ओहो, मालकिन विज्ञापन कोई लड़का नहीं है, मालिक ने अखबार में विज्ञापन दिया है कि हमें हमारी लड़की के लिए लड़का चाहिए। देखना अब लाइन लग जाएगी। अरे अरे बेटी तू रो बंद, मैं भी देखती हूँ तेरी शादी तेरे पिता विज्ञापन से कैसे कराते हैं। छोटी मालकिन अब मैं भी आपके साथ हूँ, आप बाहर जाइए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करिए। क्या कहानी इधर लाइए। अब देखता हूँ कि आपकी शादी और किसी से कैसे होती है। वाह 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 वाह, कितना अच्छा है। कौन मैं? शट अप, अखबार में छपा हुआ ये विज्ञापन देखो भगवान, अपना विज्ञापन देखो। अरे बाप रे, कार उल्टी हो गई। कार उल्टी नहीं हुई है, अखबार उल्टा पकड़ रखा है तुमने, सीधा पकड़ो। सेल, वाह साड़ियों की सेल। सुनो जी, साड़ियों की सेल लगी है। तुमको सेल के बारे में पढ़ने के लिए किसने कहा है? विज्ञापन पढ़ो। दामाद चाहिए, हमें हमारी सुंदर लड़की के लिए सुअर चाहिए। सुअर चाहिए? हाँ यही तो लिखा है। देवी जी सुअर नहीं सुवर चाहिए, सुवर यानी सुयोग्य वर। आगे पढ़ो। लड़के की उम्र 25 वर्ष, बीए पास, स्वयं मिले, अमीर हो, तिये की बैठक 4 बजे। तिये की बैठक? हाँ यही तो लिखा है। अरे मेरी माँ, ये दूसरा विज्ञापन है, एक ऊपर और दूसरा नीचे है। तो मैं क्या करूँ, अखबार वाले बीच में हाशी ही नहीं छोड़ते। शर्मिले तुम पढ़ो। मैं कैसे पढ़ सकता हूँ बाबूजी, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। हैं क्या? हाँ अबे मगर ये सब कागज में लिखकर तो तूने ही दिया था। लिखना आता है पढ़ना नहीं आता। शट अप, क्या बकवास है? सच कह रहा हूँ, गरीबी ने पढ़ने ही नहीं दिया, सिर्फ लिखा ही लिखा है। चुप। ओके। अरे भाई घर में कोई है? नमस्कार मालिक राम जी। नमस्कार। अबे मालिक राम ये नहीं है, ये उनकी धर्मपत्नी है। ओह मैं चश्मा लगाना क्यों भूल जाता हूँ। ये तो स्त्रीलिंग है। मालिक राम जी किधर है? मालिक राम मैं हूँ। ये घर आप ही का है ना? हाँ ये घर मेरा ही है। आप यही रहते हैं ना? अरे हाँ मैं यही रहता हूँ। मालिक राम जी कहाँ है?
अरे मैं हूँ ना मालिकराम यार। अच्छा आप वही मालिकराम है जो यहाँ रहते हैं? नहीं नहीं मैं तो दूसरा मालिकराम हूँ। तो वो वाले मालिकराम जी किधर है? अरे मैं ही वो मालिकराम हूँ। आप तो कह रहे कि आप दूसरे हैं। ओहो अरे यार इस घर में एक ही मालिकराम रहता है और वो मैं हूँ। तो दूसरे मालिकराम जी कहाँ रहते हैं? दूसरा मालिकराम कोई नहीं है। वो कहाँ गए? बाहर चल चल बाहर निकल। यहाँ कोई क्विज प्रोग्राम हो रहा है? तू कौन है? मैं आशिक हूँ। अबे तो ये कोई गार्डन है? नहीं मुझे मालिकराम जी से बात करनी है ना। अरे तो करना यार। कहाँ है मालिकराम जी? तेरे सामने खड़ा हूँ ना मैं ही मालिकराम हूँ। आप वो ही मालिकराम हैं जो इस घर में रहते हैं? मेरे बाप मैं वही मालिकराम हूँ, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। तब तो मुझे आप ही से बात करनी है। क्या बात करनी है? आप किसी से कहना मत। हाँ नहीं कहूँगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। वादा? अरे हाँ वादा। आपने कह दिया तो? अरे नहीं कहूंगा। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। मेरे बाप मैं किसी से नहीं कहूंगा। आप भी मत कहिएगा माता जी। नहीं कहूंगी। आपने कह दिया तो मैं मर जाऊंगा। कह तो सही। मैं कह रहा हूँ ना। अरे हाँ कहो। कह दूं? अरे कौन सा जन्म का बदला ले रहा है यार? मुझे आशीर्वाद दो। क्यों? आज मेरी शादी है। किससे? लड़की से। बधाई हो। आप नाराज तो नहीं है ना? अरे मैं क्यों हूँ नाराज? आज मैं भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ पता है। बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। बधाई हो बेटा। शाम को दुल्हन लेकर आना। जरूर। अच्छा चलता हूँ। सुनिए कितना अच्छा लड़का है, अपनी बेटी के लिए ठीक रहता। शट अप। ऐसे तक तुझे पता नहीं कितने आते हैं अपनी बेटी के लिए। अब मैं अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से करूंगा, बस आते ही होंगे राजकुमार। ऐ चमने हुस्न की नौखेस कली, मेरी रूह परवर लैला। लैला? हाँ तुम इस जमाने की लैला हो और मैं आज का कैस हूँ। और तू कौन है भाई? कौन है तू? ये आते किस काम पे लग गए? मैं एक कलाकार हूँ, अदना सा अदाकार हूँ। अबे तू कौन है, क्यों आया यहाँ? मैं अपने घर वालों से लड़कर आया हूँ, बड़ी दूर से मैं चलकर आया हूँ, दिल में है अरमा ब्याह का, आज का अखबार मैं पढ़कर आया हूँ। ये कौन सी स्टाइल में बात करता है? आप बाहर निकलिए छेला। क्यों भाई? तुम तो जानते हो मेरी बेटी कितनी फास्ट है, और ये धीमी गति का समाचार पता नहीं क्या भाषा बोलता है। माना नया जमाना है मगर ये स्टाइल बड़ा पुराना है। भाई मेरी बेटी के साथ इसकी नहीं निभ सकती। मेरी बेटी इससे कहेगी क्यों जी आज पिक्चर चलें? तो कहेगा तैयार होकर आओ, श्रृंगार कर कर आओ, हम चलेंगे सिनेमा में, खुद को संवार कर आओ। और उधर हाल में आएगा दी एंड। भैया बहुत चिढ़ा लिया हमें, अब अपना ही कुछ बता। वो क्या है ना, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अबे मेरी खुद की शादी नहीं हुई अभी, हमारे मालिक की लड़की है। आप हैं कौन भाई? मैं कलाकार हूँ। क्या करते हैं? नाटक लिखता हूँ। नाटक? हाँ। किसके लिए? रेडियो के लिए। चल बाहर चल। क्यों? अबे बाहर चल। पर क्यों? विज्ञापन पढ़ा था। हाँ उसमें लिखा है अमीर लड़के चाहिए, और तुम? अगर ये रिश्तेदारी नहीं हमारी रहेगी तो तुम्हारी लड़की जीवन में कुंवारी रहेगी। टाटा बाहर चल, निकल यहाँ से। शादी करेगा मेरी बेटी से। अच्छा हुआ मालिक ये भाग गया। कहाँ है मरीज, हमें बताओ। मरीज? ओ कोई अस्पताल है ये? कौन है आप? हम डॉक्टर हैं, सुबह 7 बजे उठते हैं और उठते ही अखबार पढ़ते हैं। अरे भाई आज भी हमने अखबार पढ़ा था। अरे ठीक है तुम 7 बजे उठकर अखबार पढ़ो या कुएं में पढ़ो, हमें क्या मतलब? पूरी बात तो सुनो, अखबार में हमने विज्ञापन पढ़ा था कि यहाँ एक कन्या को वर चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा तो आप लड़की देखने आए हैं? जी नहीं, हम उनकी मम्मी को देखने आए हैं। क्या मतलब? अरे भाई जब विज्ञापन उन लड़की के लिए दिया है तो लड़की ही देखने आएंगे ना। हाँ ठीक है तुम चुप रहो जी, बीच में बोलती रहती हो। आओ बैठो बैठो। हम बैठते नहीं हैं, खड़े ही रहते हैं। हाँ? क्यों? बैठने से आदमी सुस्त हो जाता है, और ये बात एक महान इंसान ने कही है। अच्छा किसने? सर डॉक्टर हिज हाइनेस चंचल। ओहो वेरी गुड। कौन है वो? हम खुद हैं। हम हर काम खड़े खड़े करते हैं। हाँ हमेशा खड़े रहते हैं। आप सोते भी खड़े खड़े? बेशक। वो कैसे? हम पलंग खड़ा करके उसके सहारे सोते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत मेहनती हैं आप। डॉक्टर साहब आप कमाते कितना है? अनगिनत, कोई गिनती नहीं। हमारी दौलत का अंदाजा इस बात से भी लगाओ कि हम घर के बाहर सड़क पर रहते हैं। घर के बाहर सड़क पर रहते हैं? तो क्यों? क्या? घर के अंदर नोट भरे रहते हैं। क्या? इतनी दौलत है आपके पास? वाह वाह मेरी बेटी आप क्यों हुई? प्रणाम ससुर जी। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो क्या? ये तुम्हारा दामाद है? अरे मगर मालिक पूछे तो सही, ये डॉक्टर है भी या नहीं? हाँ हाँ गुड आइडिया। हाँ तो मिस्टर डॉक्टर एक बार बताइएगा कि आपने ये MBBS कहाँ से किया है? मैंने MBBS किया ही नहीं। वेरी गुड। हैं? ये डॉक्टर की डिग्री खरीदी है? कहाँ से? गफूर की दुकान से। तो उसके पास हर तरह की डिग्रियाँ हैं, 2,000 में मिलती है। फर्जी डिग्री? पुलिस तुम्हें पकड़ती नहीं? एक बार एक इंस्पेक्टर आया था, फिर
वो भी गफूर का बनाया हुआ इंस्पेक्टर था। वाह, क्या बात है, क्या बात है मालिक, ये फर्जी है। अरे तो क्या हो गया, ये मेरा दामाद बनेगा, यही मेरी मर्जी है। पर ये ऐसा वैसा है, मगर इसके पास भरपूर पैसा है। मालकिन इसके साथ दुखी रहेगी। बेटा पैसा हर दुख को दूर कर देता है, क्यों डॉक्टर? और क्या, मेरी दोनों पत्नियां भी प्रसन्न रहती हैं। देखा है क्या, ओए क्या बकवास कर रहा है? हाँ भाई, मेरी पत्नियों से पूछ लो, वो एकदम प्रसन्न है। चल चल बाहर चल। क्या हुआ? अरे बाहर चल, तीसरी शादी करेगा। अरे तो क्या हुआ? अरे बाहर चल इसका, शर्मिला। मैं अमीर हूँ साहब। अमीर सुनो तो, बाहर निकाल, शर्मिला बाहर निकाल इसको। हे भगवान, तीसरी शादी, मैं तो एक में पछता रहा हूँ। क्या कहा जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे। मालिक मुझे तो लगता है अच्छे लोग अखबार ही नहीं पढ़ते। अरे कैसे नहीं पढ़ते, जरूर पढ़ते है। अखबार पढ़ा नहीं बोल। जजमान हमने भी पढ़ा है। मगर आप कौन है भाई? मंडप कहाँ है? मंडप कौन सा मंडप? विवाह स्थल वत्स, जहाँ विवाह संपन्न होगा। अबे किसका विवाह? असी पंजाब दे पुत्र दा विवाह। ओह अच्छा अच्छा, आपकी शादी है, बधाई हो, बधाई हो। कब है? ओए कब है? ओए अजी अभी। हाँ अभी किसके साथ? ओए तेरे छोरी दे नाल। अच्छा, ओ नाल छोरी नू। अरे लेकिन भाई वो, लेकिन क्या? ओए तू बोला है लेकिन बोला। ओ मेरी बंदूक किधर है? ओ बंदूक ला मेरी। अरे देखो जजमान, दूल्हा अत्यंत क्रोधित हो रहा है, आप शीघ्र दुल्हन को बुलाओ। अरे लेकिन लेकिन वो, ओए फिर लेकिन बोला, मेरी बंदूक किधर है? वो ठहरो ठहरो, मैं बुलाता हूँ। ये हुई ना ससुरों वाली बात। बस शर्मिला इधर आ। ये कौन है यार? अरे कौन है ये? असी डाकू छोले। हाँ छोले। छोले डाकू? तुम डाकू होकर शादी करोगे? ओए करेंगे क्या, और पंडित साथ लेकर आया हूँ। ओए तू छोरी ने बुलाया यार, ओ पंडित, ओ मंत्र फड़, ओ मंत्र फड़ यार तू। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम। अरे मालिक मालिक, एक डाकू के साथ बेटी की शादी करोगे? तो मैं क्या करूँ यार? अजी कुछ तो करो। करो मालिक, कुछ करो। प्रणाम प्रणाम ससुर जी। हाँ, प्रणाम। हाँ, ससुर जी। हाँ, मैं आशिक और ये मेरी लैला। अच्छा अच्छा लैला। अबे लेकिन ये तो मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है, और मेरी बंदूक किधर है यार? द्वितीय विवाह। पिताजी मैंने शादी कर ली है। कर ली है? कब करी, किससे करी? आज ही आशिक से। हाँ, मेरी इजाजत के बगैर? इजाजत तो मैंने ली थी ना सुबह, याद आया? तुम? हाँ हाँ, वो तुम थे। बच गए, बच गई, बच गई, मेरी बेटी बच गई। इससे? इस डाकू से। आप खुश है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मगर मैं बहुत गरीब हूँ। तो क्या हुआ, इसकी तरह डाकू तो नहीं होने? डाकू? डाकू तो मैं भी नहीं हूँ भाई। अच्छा? अरे ऐसी तो कबाड़ी हूँ। हाँ? क्या कबाड़ी? और मैं आशिक का सेक्रेटरी। मैं आशिक की लैला। मैं बाराती। मैं घराती। बाराती घराती लैला से? अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम सब एक हो? ये प्रेम का मामला है मालिक, प्रेम ने इसे डाकू बनाया। मुझे पंडित बनाया। मुझे दुल्हन बनाया। मुझे दूल्हा बनाया। मुझे बाराती बनाया। मुझे घराती बनाया। और मुझे उल्लू बनाया। मेरी बेटी की शादी। आप सुन रहे थे तपन भट्ट की लिखी झलकी। इस झलकी में जिन कलाकारों की आवाजें आपने सुनी उनके नाम हैं नंदलाल शर्मा, शब्बीर हुसैन, भवानी सिंह, अंशुला कोठारी, विशाल भट्ट, सर्वेश व्यास, कैलाश सोनी, आशीषा बोहरा और सौरभ भट्ट। निर्देशक थे मुकुल गोस्वामी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।